प्रयागराज से बड़ी खबर बता दें, प्रयागराज में मेमोरियल स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप किया गया। प्रयागराज में सुशील कुमार मुखर्जी प्रेसवार्ता में शामिल। आपको बड़ी खबर बता दें, प्रयागराज में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रहा है। सुशील कुमार मुखर्जी और संतु दा मेमोरियल जो राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रहा है, ये दिनांक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रयाग हैंडबॉल एसोसिएशन और अपेक्स एकेडमी द्वारा के तत्वाधान में यहां प्रयाग में होगा। इसमें पूरे प्रदेश की सभी टीमें, जो कि जितनी भी रीजन्स की टीमें होती हैं, सभी रीजन की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें करीब 600 खिलाड़ियों का जमावड़ा होगा। इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें करीब 12 से 14 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी आपको खेल देखने को मिलेगा, और उनके खेल से जो नए हमारे पौध हैं वो अच्छे से अच्छा खेलने की प्रतिभा उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें जो विशेष टीमें हैं उसमें गोरखपुर रीजन, कानपुर रीजन, गाज़ियाबाद रीजन, मेरठ रीजन, ये सभी टीमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। उसके अलावा हमारा खुद का प्रयागराज रीजन भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, और हमारे पास 7 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी हैं। और भी कोई जानकारी अगर आप लोग डेट के किस डेट पे है, डेट बताइए किस डेट पर। डेट 30 दिसंबर से 2 जनवरी, जैसा कि मैं पहले भी बताया, 29 तारीख को सभी टीमें लगभग पहुंच जाएंगी शाम तक, और 30 तारीख को सुबेरे 11 बजे इसका उद्घाटन होगा। अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं देवाशीष मुखर्जी प्रतियोगिता के आयोजन समिति का अध्यक्ष हूं एवं संयुक्त सचिव जिला हैंडबॉल संघ प्रयागराज।